दोस्तों ये तो आप सभी देख रहे हैं कि बिग बॉस ओटीटी के घर में राकेश बापट और शमिता की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। घर के अंदर कनेक्शन बनकर रह रहे राकेश बापट और शमिता शेट्टी एक दूसरे को लगता है कि दिल हार बैठे हैं। तभी तो बार बार फैंस को यही लग रहा है कि शमिता और राकेश एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से बार बार शमिता को पैम्पर करते नजर आ जाते हैं राकेश बापट, और कल तो उन्हें किस भी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी को फैंस भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस बीच शमिता शेट्टी से बातें करते वक्त अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में राकेश बापट ने शमिता को काफ़ी कुछ बताया। इसके साथ ही रिद्धि डोगरा संग अपने तलाक को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। राकेश बापट और रिद्धि डोगरा टीवी के जाने माने चेहरे हैं। टीवी पर इन दोनों की दोस्ती को और जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता था। इन दोनों ने साथ में रहकर काफ़ी लंबा टाइम बिताया और उसके बाद इन्होंने शादी भी कर ली। रिद्धि डोगरा और राकेश बापट टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक थे। राकेश और रिद्धि ने तलाक की अनाउंसमेंट के बाद सभी फैंस और इंडस्ट्री को चौंका कर रख दिया था। दोनों 7 साल तक साथ रहे थे। बिग बॉस के घर में राकेश बापट शमिता के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। यही वजह है कि राकेश बापट ने रिद्धि को लेकर भी शमिता से काफ़ी बातें की हैं। हाल ही के एपिसोड में शमिता और राकेश एक आर्ग्यूमेंट के बाद अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे करते नजर आए हैं। राकेश ने शमिता से रिद्धि डोगरा के साथ अपने तलाक के बारे में बातें की हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से लेकर अब तक राकेश ने अपनी लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव झेले हैं। राकेश ने कहा उन्हें एंजाइटी इशू होने लगे थे। उन्होंने ये भी बताया कि पिता की मौत के बाद पूरे तरीके से अफेक्ट हुए थे राकेश। एक्टर ने ये भी खुलासा किया कि उनकी माँ और बहन उनके लिए हमेशा काफ़ी परेशान रहती थी और हफ्तों तक बिना सोए रहते थे राकेश बापट। राकेश बापट ने कहा कि मैं टूटने के कगार पर था। रिद्धि डोगरा से डिवोर्स के बाद राकेश अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। यही वजह है कि किसी भी टीवी शो में वो नज़र नहीं आए। लेकिन इसके साथ ही रिद्धि डोगरा कहीं ना कहीं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, क्योंकि जिस तरीके से राकेश को प्रतीक सहजपाल ने कहा था स्पाइनलेस उसके बाद भी रिद्धि डोगरा ने एक्टर का सपोर्ट किया था।